हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नया दिन और नई शुरुआत, तो दिन की शुरुआत हो चुकी है जैसा कि, और आज डेट हो चुकी है 23, है ना, तो 23 तारीख हो चुकी है। रक्षाबंधन बस अब कितने दिन बचे, 30 की है ना, 6 ही दिन मान लो, 7वें दिन तो है ही। और बस तैयारी तो चल ही रही होगी सभी की, मेरी भी चल रही है। सोचती रहती हूँ मैं, खरीदना नहीं है मेरे पास, ऑलरेडी है। और बाकी बस लविस और जस्सी का स्कूल जा चुके हैं, आफ्टरनून हो चुका है। और मैंने पीछे देख सकते हो, मैं बनाऊंगी चावल आप लंच में, और यही इवनिंग में खाए जाएंगे, क्योंकि मेरी उंगली से काम नहीं हो रहा, जितना हो सकता है मैं इतना ही करूंगी। चावल ये है कि उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। और सुबह जस्सी का बना के लेगी थी अपने आप सैंडविच, तो जस्सी का उबले हुए आलू रखे थे, जस्सी का ने खुद ही बना लिए। मैंने कहा चलो ये काम तो किया। और नींद इतनी आ रही है और उंगली में दर्द, रात को इतनी दर्द हुआ कि 3 बजे उठ गई मैं और 5 बजे सोई फिर मैं, दवाई लेने के बाद जब आराम मिला, जब उसके बाद इतना दर्द हो रहा बहुत। आज फिर दवाई ले कर आऊँगी। और बारिश इतनी, लगातार बारिश हो रही है यहाँ पे दिल्ली में, लगातार बारिश हो रही है। तैयारी तो कर लिया, लेकिन थोड़ा सोच रही हूँ अभी बनाऊँ, अभी आए हैं तो चलिए जैसी का और लविस से मिलवा। देखिए, एक तो स्कूल से आने के बाद हो गया, सो गया, जो सोने का काम था, कह रहा मुझे नींद आ रही है सोने दो। चलो जी, इसकी तो हो गई। और उधर वो लड़की बस लिखती रहती है, आपको लिखते हुए ही नज़र आएगी हमेशा। हाँ जसिका जी, आवाज़ तेज कीजिए अपनी। अच्छा, नींद इसे भी आ रही है इसलिए ज़बरदस्ती लिख ही रही है। और बाकी जसिका सुबह बनाए कैसे लगाए, मिर्च नहीं थी इसे लड़की को, मिर्च चाहिए, मैंने भी खाया था एक, काफ़ी मिर्च थी, ठीक है, काफ़ी भर भर के आलू बनाए हुए थे। और एक जो बचा था वो डैडी ने खाया था, बड़ा वाला, मैंने तो आधा वाला खाया था। मैंने कहा टेस्ट तो करूं कैसे बने हैं। हाँ, बारिश तो लगातार मतलब पड़ी रही है, कुछ ही देर को बंद हुई है। और बाकी बस चलिए देखिए किचन में तैयारी तो कर लिया है, बस छोंक रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो ये हैं आलू, मेरे हस्बैंड के फेवरेट, नहीं डाले तो खाएंगे नहीं। और ये प्याज, मटर, पनीर, और ये चावल सोख किए हुए हैं थोड़ा, और मैं सोची 10 मिनट और हो जाएं, अभी फ्लोए थे ना, तो फिर उसके बाद बनाती हूँ पुलाव, और फिर जाऊँगी मैं ऊपर। तो गाइस, मैं उसके बाद जाऊंगी ऊपर, सारे कपड़े उतार कर लाऊंगी, उनमें छटाई करूंगी, और उनमें से देखती हूँ कौन से परेस हो सकते हैं, होंगे ज़्यादातर परेस के ही होंगे, और बाकी जो वैसे हैं उन्हें अलग करूंगी, वही टाइम हो जाएगा, शाम हो जाएगी। तो पहले बनाऊंगी चावल, उसके बाद करूंगी ये काम। तो चलिए गाइस, मिलते रहेंगे बीच बीच में अगर किसी ने मदद की तो, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप समझ भी नहीं सकते, और जसिका भी नहीं। अभी बर्तन क्लीन किए मैंने, इतना दर्द हो रहा था, बस कर ही दिए। तो चलिए गाइस, मैं बना लेती हूँ, मैंने तेल गरम कर लिया है इधर, और सब कुछ तैयार है, बस डालना है, भूनना है। तो चलिए गैस ऑन कर देती हूँ, बंद कर देती हूँ मैंने, ठीक है। तो देखिए ये मैं तेल में बना रही हूँ, घी में नहीं बना रही। चमचा ले लेते हैं, जीरा और 4 लौंग और 8 काली मिर्च, ठीक है, इससे ज़्यादा डालेंगे नींद, नींद में मटर भी डाल देंगे इसलिए। तेल मैंने पहले ही गरम कर लिया था, अब दोबारा ठंडा कर देंगे। जब से प्याज काटी है तब से मेरी आंखें नींद जैसी हो गई है बहुत। अच्छा, प्याज तो मैंने किचन में काटी थी, छीली थी। हाँ, जो भी था नींद आ रही बहुत तेज, मेरी उंगली में बस दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। मैं कद्दू की किचन साफ टू सिंह से आके और दर्द हो जाएगा वरना उंगली में, सुन रहे हो मेरी। तो ये मैंने मीडियम साइज की दो प्याज ली थी, थोड़े ज़्यादा ही बना रही हूँ मैं, उधर भी भेज देंगे, सासू माँ को पसंद है ना, भेज के जाओ।
चावल मनाए उन्हें हाँ। शुगर वालों को चावल और आलू हाँ। डायबिटीज वाले पेशेंट चावल और वो नहीं खाते। डायबिटीज अलग होती है, डायबिटीज और शुगर एक ही होती है। चलो जी, और ये मैंने मसाले सॉफ कर लिए, इसमें है हल्दी और मिर्च का, और ये कसूरी मेथी, नमक, पनीर काट के रख दिया है, जस्सी का हाथ मारने वाली है, मैंने मार लिया। तो मैं नमक भी डाल देती, जल्दी बन जाएगी इससे, क्योंकि पेट ना खड़ा नहीं हुआ रहा, इतनी देर हाथ में दर्द हो रहा, खून का प्रेशर नीचे को जाता है। गुलाब का तो ऐसा है जैसे आप कितनी भी सब्जियां डाल लो उसमें तो सब खा ही लेंगे, हमारी देसी का गेंदा मैं तो सब खा जाएगा। वो बेवकूफ है। अच्छा, मैं इंटेलिजेंट हूँ, आई एम प्योर वेजिटेरियन, इसलिए मैं प्यास से दूर रहता हूँ। खाना तो भूखे पड़ते हैं बाहर, जब उसमें मैं तो बाहर भी झाड़ लेता हूँ जहाँ तक हो सकता है। मैं शिमला मिर्च इसलिए नहीं खाता क्योंकि मुझे वो कड़वी लगती है बहुत। अच्छा, पूरी दुनिया को कड़वी लगती है, मीठी लगती है, और जैसे का वो कड़वी लगती है। हाँ, मुझे कड़वी लगती है। आई हेट शिमला मिर्च, रेड वाली तो फिर भी सही लगती है, सेम फ्लेवर होता है, नहीं होता ग्रीन वाली, मुझे कड़वी लगती है, उंगली में दर्द। फोन करूँ? फोन क्या, अभी कह दूंगी दुकान पर खुली होगी, अभी 5 बजे खुलेगी। प्याज भुनने ही वाली है, बस नमक डाल देना तो जल्दी भुन जाती है। मैं डालेंगे सूखे हुए मसाले, मेथी के साथ डाल देंगे कसूरी मेथी, मेरी फेवरेट, इसकी स्मेल मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मेथी है ना, अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो चलिए गाइस, अब डाल देती हूँ मैं आलू, मसाले भून चुके हैं, आलू मेरे हस्बैंड के फेवरेट है, ना डालो तो खिनक जाते हैं। आलू क्यों नहीं है, चाहे उसमें कुछ भी डालो, और हमें आलू नहीं पसंद, हमें आलू पसंद नहीं है। और अब मटर, मुझे मटर भी पसंद नहीं है, डाल कुछ नहीं पसंद, मैं बस जिंदा हूँ, बिना सब्जी खाए मुझे वो सब पसंद है जो नॉर्मल लोगों को खाना भी नहीं पसंद, घिया, टिंडे, तोरी, करेला, ये सब खाता हूँ मैं। बोलो मामा, सच है पनीर कौन खा रहा है? मैं, वो तो ऑल टाइम फेवरेट है। तो चलिए बस अभी से थोड़ा मसाले के साथ भूनने देंगे, उसके बाद डालेंगे चावल। देखिए लविस की नस पे नस चढ़ गई है, और कितना रो रहा है, और जस्सिका उसकी मल रही है, मैं मल रही हूँ तो तू कह रहा नहीं जस्सिका से मलवाओ, वो ठीक करती है, डॉक्टर है। अरे बिल्कुल रो रहा है, अब ठीक हो गया, हो गया, ये एकदम नाच जाता है। अरे तू भी रोने लगी, मैं क्यों रोता। तो चलिए उधर मेरी सब्जी नहीं, चावल हो गए हैं, अब इसमें डालेंगे चावल, हो गई, अच्छे से भून दिए मैंने। तो गाइस देखिए, इधर मैंने चावल और पनीर डाल दिया है, अब डाल दूँगी सीधा पानी, क्योंकि पनीर के साथ डालूँगी तो ये सारा घुल जाएगा। तो ये एक कटोरी चावल पे 2 कटोरी पानी डाल दिया है मैंने, क्योंकि मुझे आइडिया है। तो ये बनेगा हमारा पुलाव, भर भर के आलू डाले हैं मैंने, खाओ आलू 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 आलू। तो चलिए गाइस, अब इसे बंद कर देते हैं, और फिर बनने के बाद ही देखना। अभी टाइम हो चुका है 8:30 बजने वाले हैं, और आज मतलब हमारे इंडिया के लिए बहुत प्राउड, मतलब प्राउड वाला मोमेंट है, क्योंकि आज चंद्रयान 3 मतलब जो थर्ड अटेम्प्ट था
वो मून पर रॉकेट लैंड हो चुका है और मतलब ये बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है। और ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में, मतलब मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ, तो उसमें भी बहुत सारे आज मतलब हमारा टेस्ट हुआ था नॉर्मली कि बच्चों को कितना पता है मतलब इस चीज़ के बारे में। तो हमारा टीम ए और टीम बी दोनों का कॉम्पिटिशन था, तो हमारे बीच में टाई हो गया। तो उसमें 11th के भी बच्चे थे और 12th के भी बच्चे थे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और आज मतलब एक अच्छा सा लग रहा है मुझे, क्योंकि मतलब ये इन थर्ड अटेम्प्ट है ये हमारा, और बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, क्योंकि जो मतलब फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो तो एडवांस है ही, लेकिन जो इंडिया का माइंडसेट है ना मतलब इन मतलब साइंस टेक्नोलॉजी में, वो भी पीछे नहीं है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा। बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है ये, और लाइक बहुत बड़ा दिन है आज। सो गाइस, चलिए जो बाकी जस्सिका ने शेयर की आपसे वो काफ़ी अच्छा, आज का दिन हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा है, और यही थी आज की दिनचर्या। और मैंने बनाए हैं पुलाव, तो पुलाव शेयर करती हूँ। जस्सिका ना फ्रिज में अच्छे ही रखे हैं, किचन साफ करा था ना, तो मेरी उंगली में मतलब राहत नहीं है, बस खाली दवाई ली है मैंने। और बहुत पेन हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा रोने लगा, आज तो मैं रोने लग गई थी, इतना पेन हुआ। तो चलिए गाइस, फिलहाल उस बात को छोड़ते हैं, दवाई लेने के बाद रिलैक्स मिला है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं पुलाव कैसे बनाए। तो चलिए गाइस, चलते हैं किचन में। खाना वगैरह सबने खा लिया है और जस्सिका ने किचन साफ कर दिया। ये मैंने बनाया था पुलाव, मतलब मटर पनीर आलू सब डाल के, और बाकी बस किचन साफ हो चुका है, ये पानी पिया होगा किसी ने, और मेरी चाय भी बन चुकी है जस्सिका ने। तो मैंने सोचा पहले आपसे बातें कर लेती हूँ फिर पीऊँगी चाय। और इधर देखिए, लव इसको काम मिला है चंद्रयान का, एक क्या डेमोस्ट्रेशन ले जाना है स्कूल बना के पेंटिंग करके। हाँ मतलब वही हुआ वो बच्चों। अच्छा चलो ठीक है, तो चलिए बनाने देते हैं लविस को, वो कल देख लेंगे कैसा होगा। सो गाइज, यही था आज का ब्लॉग। सो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मिलते हैं कल नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं कल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। गाइज मैं इसके लिए 3-4 ज्योमेट्री ला चुकी हूँ, और इस लड़के को समझ में नहीं आ रही कि ये टूट गई। रहने दो, दो साल में इसने 6 महीने में 1 महीने में 2 किट चोरी करवाई है स्कूल में, और ये तीसरी है, ठीक है रहने दो। और ये लविस के लिए मैं 4th लेकर आई हूँ, लेकिन इनके समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या चाहिए। सो मिलते हैं कल।